टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई की चलती लोकल ट्रेन से पति ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, पत्नी की हुई मौत। दरअसल घटना सोमवार की है। मानखुर्द इलाके में रहने वाला 31 वर्षीय अली शेख अनवर नामक व्यक्ति की 2 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी पूनम चौहान को, तब नीचे फेंका जब वे ट्रेन से अपनी 3 साल की बेटी के साथ यात्रा कर रही थी। बच्ची पीड़िता की पहली शादी के दौरान हुई थी। जिस वक्त आरोपी पति ने अपनी पत्नी को धक्का दिया, उस वक्त उसी डब्बे में मौजूद एक महिला सब कुछ लाइव देख रही थी और अगला स्टेशन आने की इंतजार कर रही थी। और अगला स्टेशन गोंडी स्टेशन पे जैसा ही ट्रेन रुकी, उसने वहां रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी। रेलवे पुलिस ने पति को पहले गिरफ्तार किया और फिर उसी जगह ले गई जिस जगह पर आरोपी अली अनवर अपनी पत्नी को कथित रूप से धक्का दिया था। जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो महिला बेहोश पड़ी थी और हॉस्पिटल लेकर गए, जब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। पुलिस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी पति से जांच कर रही है। आखिर क्या वजह है चलती ट्रेन से अपनी पत्नी को धक्का देने की और उसे मौत के घाट उतारने की। पुलिस हर एंगल से छानबीन पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस को ये भी शक है, नशे में आरोपी धुत होने की वजह से भी आरोपी घटना का अंजाम दिया है। दिनांक 11/1/2021 रोजी दुपारी 3:20 हा प्रकार घडलेला आहे। माणसाने त्याच्या एका महिलेला डब्या धावत्या ट्रेनच्या खाली सोडून दिला आहे पकडा म्हणून आमचा GRP अंमलदार जो आहे जाईब आहे यांनी त्याला पकडलं आहे आणि या दरम्यान त्या महिलेचा मृत्यू झालेला आहे। तिच्यावर सायना सुटे या ठिकाणी पोस्टमार्टम करण्यात आलं आहे आणि अंत्यविधीसाठी त्यांची नातेवाईक ताब्यात दिलेला आहे।